पंजाबी दी सिखलाई लै रहे सारे ही विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन विच बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो विच असी करांगे 12वीं जमात की लाजमी पंजाबी पुस्तक विचों डॉक्टर बरिंदर कौर जी का लिखा लेख जिसका नाम है पंजाबी सभ्याचार। दोस्तों ध्यान रखो कि एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिस विच असी इस पार्ट नू इस लेख नू एक्सप्लेन किया, पर जे आप सारे ने साडे नाल इस दे प्रश्न उत्तर करने हैं तो असी उसकी एक अलग तो वीडियो बनाई है जिसका लिंक थले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिता गया है। तो पाठ की पूरी तरह तैयारी लिए आप सारे विद्यार्थी उस वीडियो नू जरूर देखो। तो जे अजे तक आप सारे ने यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल में सबसक्राइब जरूर करो ताकि नवीं वीडियोस आप सारे समय से प्राप्त हो सकन। आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों सब तो पहले सानू यह पता होना चाहिए कि सभ्याचार की होंदा। तो सभ्याचार किसी खास खिते का अर्थ होंदा टैरिटरी या एरिया। तो सभ्याचार किसी खास खिते या कौम की समुची जीवन जांच होंदी है। सभ्याचार उस कौम के जीवन नाल जुड़े वख वख विचारां मनौतां रहन सहन कदरां कीमतां खाण पीण रीति रिवाजां पहरावे बोली अते तिथ त्यौहारां दा सुमेल है। तो जिहड़ा सभ्याचार शब्द है वह दो शब्दों के सुमेल नाल बनया है, सभ्य अते आचार। तो सभ्य का की अर्थ होंदा? सभ्य का अर्थ होंदा नियमबद्धता, आचार का अर्थ होंदा आचरण, तो सभ्याचार का अर्थ हो गया वह चरित्र जो जीवन में किसी नियमबद्धता का धारनी है नूं सभ्याचार कहा जाता। तो जे असी ओपरी नज़रों वेखिए उपरों वेखिए तो सभ्याचार की प्रकृति साधारण जापदी है कि बहुत सिंपल है, पर जे असी इसका ध्यान करते हैं, असी स्टडी करते हैं तो असी यह महसूस करते हैं कि यह अपने आप में एक जटिल वर्तारा भी है, बहुत कंपलैक्स है। तो हिंदी में सभ्याचार को संस्कृति, इंग्लिश में अंग्रेजी में सभ्याचार को कल्चर कहा जाता। तो हुण असी गल करांगे सभ्याचार अते उप सभ्याचार के बारे। वैसे उप दा अर्थ होंदा छोटा, तो उप सभ्याचार दा अर्थ हो गया छोटा सभ्याचार, पर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की है? जिथे सभ्याचार का संबंध किसी जन समूह या समाज नाल हुंदा है उत्थे उप सभ्याचार उप समूहां या स्थानिक खित्तियां नाल संबंधित हुंदा है। तो यह तो सीगी डेफिनेशन, पर जदों असी इसकी उदाहरण करांगे तो सानू होर क्लीयर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जे भारतीय सभ्याचार के संदर्भ में वेख्या जाए तो पंजाबी बंगाली गुजराती मराठी इत्थों के उप सभ्याचार हैं। जिमें कि जे भारतीय सभ्याचार मूल सभ्याचार हो गया तो पंजाबी बंगाली गुजराती मराठी इत्थों के उप सभ्याचार हो गए, पर जिहड़े उप सभ्याचार हैं इह वाले यह अपने 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 भूगोलिक खेतरां विच अपने अपने जोग्राफिकल रीजनस विच मूल सभ्याचार हैं। तो इस प्रकार जिथे पंजाब का अपना पंजाबी सभ्याचार है तो इत्थे पंजाबी सभ्याचार के उप सभ्याचार किहड़े हो गए? माझी दुआबी मलवई पुआधी इत्थों के उप सभ्याचार हैं। तो दोस्तों यह तो सीगा सभ्याचार अते उप सभ्याचार बारे। तो हुण असी गल करांगे पंजाबी सभ्याचार का इतिहासिक पछोकड़। तो यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, तो असी थोड़े ना मेन पॉइंट्स सानू पहला ही दस देंदे हां कि ऋग्वेद के समय पंजाब नू सप्त सिंधु के नाम नाल जाणिया जांदा सी, ते महाभारत काल विच पंजाब नू पंज नद कहा जांदा सी, ते मुसलमानां दी आमद नाल पंजाब नू पंजाब कहा जाण लग्गिया, ते उस तो बाद भारत पाकिस्तान की वंड हो गई सन 1947। तो उस तो बाद 1 नवंबर 1966 ईस्वी में भारतीय पंजाब की भाषाई वंड हो गई जिस विच हरियाणा ते हिमाचल प्रदेश होंद विच आए। तो वैसे यह भी कहा जाता कि पंजाबियों की एक वक्री ही पहचान है, तो आलू के पंजाबी दुनिया के हर कोने ते मिल जाते हैं। तो हुण असी इसनूं डिटेल विच स्टडी करते हैं। तो वैदिक काल विच की हुंदा सी कि वैदिक काल का महान ग्रंथ ऋग्वेद पंजाब के दरिया के कंडे उत्ते रचया गया। तो उस वेले ने सत्त दरिया वगदे होण कारण पंजाब का नाम सप्त सिंधु सी। तो सत्त नदियाँ केड़ियाँ केड़ियाँ सी? सतलुज, ब्यास, रवि, चनाब, झेलम, सिंधु। तो सतवीं नदी केड़ी सी? सतवीं नदी सीगी सरस्वती। तो हुण महाभारत युग विच पंजाब का नाम पंज नद सी, ते पंज ते नद का अर्थ हो गया नदियाँ, ते पंज नदियाँ होण करके महाभारत युग विच पंजाब का नाम पंज नद सी। तो मुसलमाना दे आउण नाल फारसी भाषा के अनुवाद अनुसार पंजाब नूं पंज आप कहा जाण लगा। तो हुण पंजाब विच महान रचनावां भी हुई हैं, पाणिनी दे नियमबद्ध व्याकरण ग्रंथ, रामायण, भगवद गीता, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना पंजाब की धरती ते हुई। तो तक्षशिला महान विश्वविद्यालय की स्थापना भी पंजाब विच ही हुई सी, पर 1947 ईस्वी विच पंजाब दो भागों विच वंडिया गया अते 1 नवंबर 1966 ईस्वी नूं भाषाई आधार ते पंजाब राज नूं तीन हिस्सों विच वंड दिता गया, ते हरियाणा ते हिमाचल प्रदेश होंद विच आए। तो हुण पंजाब विच 2.5 दरियावां ही रह गई हैं। तो 2.5 दरियावां क्यों कहा गया है? कि सतलुज दरिया रह गई है, ब्यास दरिया रह गई है, तो रावी दरिया का कुछ हिस्सा रह गया भारतीय पंजाब विच। तो हुण इस तो बाद असी गल करांगे पंजाबी सभ्याचार के लक्षण, तो संसार के सभ्याचारां विचों पंजाबी सभ्याचार किवें विलक्षण है।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਇਸਦਾ ਮਿੱਸਾਪਣ ਹੈ। ਮਿੱਸਾਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿੱਸਾ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।